एक ऐसा लेक्चर लेकर आई हूं जो अगर आपने अक्टूबर में देख लिया और पढ़ना शुरू कर दिया तो भाई आप लोग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। 80+ टॉपिक्स लिखवाने वाली हूँ। सारे चैप्टर जितने भी नीट 2024 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बायो के लिए करेंगे सबसे पहले, तो जितने भी नीट 2024 के लिए फटाफट काम की बात करेंगे, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायो के, उन सारे के सारे चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लिखवा देती हूँ। लिखते चलो मेरे साथ और देखो कैसे फायदा होगा। सबसे पहले आ जाओ तुम प्लांट किंगडम पे। अब प्लांट किंगडम में सबसे पहले आप कर लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी और उनके कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, एक क्वेश्चन तो जी पक्का आना ही आना है, राइट। सेकंड चीज कर लो टेरिडोफाइट्स की और ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कर लो। बस सिर्फ मेरे लेक्चर्स देख लो, मैंने प्लांट किंगडम का भी मैराथन लिया था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो सबसे ज्यादा ध्यान यहां पर मोनेरा और प्रोटिस्टा को दे दो। मोनेरा प्रोटिस्टा जितना मैंने करवाया था उतना कर लो, थोड़ा बहुत फंगस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, वो भी एक्सोस्पोर एंडोस्पोर कौन कौन से होते हैं वो देखना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। उसमें आपका प्लांट एनाटॉमी, मॉर्फो वॉर्फो ये सब कुछ करवाने वाली हूँ। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी करवाना है, इसमें ना आप रूट हो गया और स्टेम हो गया, इनको अच्छे से करो। लीफ वीफ का इतना टेंशन मत लो, लीफ की सिर्फ बेसिक एनाटॉमी कर लो यार। आइसोबाइलैटरल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, राइट। एनिमल टिश्यूज में मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ आपने एक चीज करनी है, वो है आपका एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज के अलावा कुछ भी करना नहीं है। अब आ जाओ सेल टॉपिक पे, ठीक है। सेल पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ वाला टॉपिक, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इसमें क्वेश्चन आएगा, राइट। इसमें आप न्यूक्लियस हो गया आपका, आपका क्रोमोजोम हो गया, इसको तो एकदम रट लो अच्छे से करो। तीन चीजें और बताती हूँ, एक आपका राइबोसोम्स, एक आपका क्लोरोप्लास्ट और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों चीजों से भी क्वेश्चन आएंगे, डी टू बॉडी वगैरह में अभी के लिए छोड़ दो। अगर मैं आऊं आपको मियोसिस में, तो सिर्फ एक चीज करो और कुछ टच करने की भी जरूरत नहीं, वो है सारी स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन, इसके अलावा आपको कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं। अगर मैं सीधा प्लांट फिजियो पे आती हूँ, प्लांट फिजियो में आप करो एक तो C3C4 साइकिल करो अच्छे से, ठीक है। एक आप जेड चेन फोटोफॉस्फोराइलेशन करो, एक आप अच्छे से करो क्रैंज एनाटॉमी। अगर आप कंफ्यूज हो, मुझे पढ़ना है अक्टूबर नवंबर में सिलेबस खत्म करना है, जितना मैं करा रही हूं सबसे पहले ये करो, बाकी चीजें बाद में करेंगे, राइट। इसके अलावा आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करनी है, अगला टॉपिक वैसे भी मैं प्लांट रेस्पिरेशन करवाने वाली हूं, आ जाना बढ़िया से कर लेना, राइट। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, बी सेक्शन में आ सकता है फोटोपीरियडिज्म, अब तो हट चुका है आपको पता ही, राइट एवरीबडी। नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से करो, नाइट्रोजन साइकिल और जितने भी नॉन डिलीटेड पोर्शन ऑफ एनिमल फिजियो है, इसमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ना, 40% पेपर आपका एनिमल फिजियोलॉजी से आएगा, हमने कुछ भी छोड़ना नहीं है, सोचना ही नहीं है कुछ छोड़ने के बारे में। ये रही आपकी 11th की बारी। अब आते हैं जी आपके 12th के ऊपर। 12th के ऊपर रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स में तो हमें मैक्सिमम अटेंशन देनी है, मैक्सिमम काम करना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे यहां से आ सकते हैं। तो 12th पे आ जाते हैं, 12th पे आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिप्रोडक्शन में आपने गैमेटोजेनेसिस करना है, आपने भी देखा ही है मैंने गैमेटोजेनेसिस आपको कितने ज्यादा डिटेल में कराया, पूरा गैमेटोजेनेसिस आपने बढ़िया से करना है, राइट। भले ही वो प्लांट्स का गैमेटोजेनेसिस हो या ह्यूमंस का गैमेटोजेनेसिस हो, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट एवरीबॉडी। इसके अलावा आपने अगर कुछ करना है तो वो यार आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और यार ये जो आपका जिफ्ट गिफ्ट वगैरह ICSI वगैरह मैंने करवाया है, ये आपने पूरे का पूरा अच्छे से करना है। अब सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं, सेकेंड है जी अपना जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, राइट। तो जेनेटिक्स में हमें क्या क्या करना है, ये मैं देखो करना हमें सब कुछ है, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे ताकि हमारे नंबर आ जाए, इसके एक्स्ट्रा टॉपिक में पॉली एम्ब्रियोनी वगैरह आ सकता है। तो अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो जेनेटिक्स में सबसे पहले मुझे डायहाइब्रिड क्रॉस करना है, मुझे लिंकेज करना है, मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस करना है, मुझे को डोमिनेंस करना है, ये सबसे पहले करना है। उसके बाद मुझे पेडिग्री एनालिसिस करना है
राइट right? और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के पेज में जो मैंने मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए हैं वो करना है. इनके अलावा मुझे टेस्ट क्रॉस करना है, टेस्ट क्रॉस की रेशियोज मुझे अच्छे से करनी है, उस पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं. राइट एवरीबॉडी, अब अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो एवोल्यूशन में मुझे क्या करना है, एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही आता है, एक तो ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अलावा डार्विन के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अलावा सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा. तो ये तीन टॉपिक्स और होमोलोगस एनालोगस, ये इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. राइट, अगर अब मैं आऊं बायोटेक पे, राइट, तो बायोटेक में सबसे पहले मुझे क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले मुझे उसका पूरा प्रोसेस करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं. बीटी कॉटन करना है, बीटी ब्रिंजल करना है, आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग करनी है, ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर करना है, इसमें मुझे एससीआईडी वाली जीन थेरेपी करनी है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, एंड पीसीआर वाला करना है, पूरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. तो आप सोच लो कि यार पूरे का पूरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस उठ के एज इट इज एग्जाम में आ सकता है, तो यार ये तो मुझे करना ही करना है. अब आते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में मुझे क्या क्या करना है. तो अगर आती है बात बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक भी है, तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक से मुझे क्या क्या करना है, बहुत सिंपल है, चार टॉपिक्स बताऊंगी. एक पूरा ह्यूमन इम्यूनिटी करना है, जिसमें मैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी करूंगी, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है. आपको एड्स और कैंसर में से एक क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है, तो ये दोनों टॉपिक आपने करने हैं. एक आपने ड्रग्स करने हैं. अगर मैं बैक्टीरियल डिजीजेस का सिर्फ नाम लूं तो आप विब्रियो कॉलरा कर लीजिए, मैरी मैलोन वाला टाइफॉइड कर लीजिए, आप मलेरिया कर लीजिए और आप फाइलेरियासिस कर लीजिए. इनके अलावा ज्यादातर इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. नाउ वी मूव ऑन, देखो आ सकते हैं, पर सबसे पहले अगर मुझे नवंबर में सिलेबस खत्म करना है, मैं इन टॉपिक्स को चार चार पांच पांच बार कर लूं. अब आते हैं इको एंड एनवायरमेंट में. इको एंड एनवायरमेंट में सबसे पहले मुझे एनवायरमेंटल इश्यूज, तो लगभग पूरा टॉपिक आप अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ ही लीजिएगा. बायो जियो केमिकल साइकल्स आउट हो चुकी है, पर मुझे लग रहा है पार्ट बी में कहीं ना आ जाए, मैंने नाइट्रोजन साइकिल भी इसलिए बताई है. पॉपुलेशन के इंटरैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन पैरासाइट है, कहां कमेंसालिज्म हो रहा है, कहां अमेंसालिज्म हो रहा है, और इसके अलावा अडैप्टेशंस. अडैप्टेशंस में स्पेशली आप करिएगा द वंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ दो है, एक है आपकी एस्टिमेशन, डायापोज और हाइबरनेशन. एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हर साल क्वेश्चन आता है, वो है आपका सक्सेशन. तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप उठाइए, और इन टॉपिक्स को तो आप बहुत बहुत बढ़िया तरीके से करिए. अगर आपको लगता है यार ये लेक्चर से मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरे को ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए चाहिए, तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सेम टॉपिक आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बना दूं. बट आई होप इससे आपको फायदा हुआ है, इससे बहुत फायदा होगा. प्लीज ये दोनों टॉपिक्स के आप स्नैपशॉट खींचिए और ये जरूर करिए. एक चीज आपको और कहना चाहूंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यार लेक्चर के नीचे जैसे ही आप जाओगे ना, आपको अपना ये मिल जाएगा, यहां पर चले जाओ यार, ये अपना फुल सिलेबस क्रैश कोर्स है, इधर ये देख लो, पूरे सिलेबस का इधर क्रैश कोर्स है, पूरे का पूरा सिलेबस इधर अवेलेबल है आपके लिए. लाइव क्लासेस है, 23rd से मैंने नया बैच लॉन्च कर दिया है. क्लास आपको पता है लाइव के अलावा, या जो दूसरे टीचर है ना, कोई 10,000 का लाइव कोर्स बेच रहा है, कई और लोग 3,000-4,000 में आपको रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहे हैं. प्लीज फसो मत, लाइव क्लासेस लाइव पढ़ाया जाएगा, बेस्ट फिजिक्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे, क्लास में आपके डाउट्स लिए जाएंगे, क्लास के बाद डाउट्स लिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, क्लास में क्विजेस होंगे, डिस्कशंस होगा, पीवाईक्यूज होगा, पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग होगा. प्लीज डोंट मिस इट. वीडी मीट आपका कोड है, लगाइए और क्लास में आ जाइए. बेस्टेस्ट एवर फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, डोंट मिस इट. सिर्फ 834 पर मंथ, राइट, इट इज अवेलेबल एट 834 पर मंथ. 6 मंथ का कोर्स है, मिस मत कीजिए. टेक केयर, बाय.